इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर हाथ पैर काटने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी पेशे से कसाई बताए जा रहे हैं। इन्हीं की मदद से आरोपी पत्नी ने पति के टुकड़े कर इन्हें जंगलों में फेंकवाया था, वहीं धड़ को जमीन में गड़वाया था। पुलिस ने खुदाई कर धड़ तो जब्त कर लिया, जबकि हाथ पैर अब तक बरामद नहीं किए गए। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गणेश धाम कॉलोनी का बताया जा रहा है। थाना बाणगंगा में जो 302 हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था, इसमें प्रेमिका के द्वारा पत्नी के द्वारा अपने पति की हत्या करवाई गई थी और उसमें जो महिला का प्रेमी और उसका एक साथी था, तो महिला का प्रेमी रिजवान और उसका साथी इरशाद, ये दोनों प्रकरण में फरार थे, जिनको आज पुलिस के द्वारा देवास से गिरफ्तार किया गया। जो ये देवास बाईपास पर टोल नाके के पास में अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और इनको एक सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया और आरोपियों से पूछताछ की गई है और इनको अभी 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है और रिमांड से इनमें जो हथियार वगैरह थे वो जब्त किए जाने हैं। इन्होंने अभी कहीं फेंकना बताया है उनको, तो उनसे कल जाके टीम जाएगी और उन हथियारों को वहाँ तलाश करके जब्त करेगी। और इसके अलावा जो आरोपी रिजवान है, इसने बताया कि 2 सीमेंट के ब्लॉक्स थे जो पेमेंट में इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल भी उन्होंने सिर पे पटकने में किया था, तो वो जो रक्त रंजित सीमेंट के ब्लॉक्स थे वो भी पुलिस ने आज जब्त किए हैं और भी अन्य साक्ष्य आज पुलिस के द्वारा जुटाए गए हैं। और कल पुलिस के द्वारा जहाँ पे इन्होंने कटे हुए हाथ पैर फेंकना बताए थे मृतक के, वहाँ भी पुलिस की टीम गई थी और वहाँ से जंगल एरिया है चूँकि, तो जिस पीले रंग की पन्नी में इन्होंने वहाँ पे इसके हाथ पैर फेंके थे मृतक के, वो पीले रंग की रक्त रंजित पन्नी तो थैली जब्त हुई है, लेकिन जो उसके हाथ पैर थे वो संभवतः वहाँ पीछे जंगल एरिया हैं और काफ़ी जंगली जानवर वगैरह रहते हैं, तो ऐसी आशंका है कि शायद जंगली जानवरों के द्वारा चूँकि मांस रहता है तो उसको खुर्द-बुर्द कर दिया है। तो उसकी लगातार तलाश 2 दिन से जारी है, लेकिन अभी हाथ पैर कटे हुए मिले नहीं हैं। आगे इसमें भी अनुसंधान जारी है और जो भी अनुसंधान में आगे तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपियों की क्या बैकग्राउंड, कहाँ के रहने वाले? आरोपी जो हैं, इसमें आरोपी रिजवान जो हैं, ये रिजवान मूलतः सहारनपुर का रहने वाला है और यहाँ माणिक बाग में एक मटन की दुकान है, वहाँ पर काम करता है। इसके अलावा जो आरोपी इरशाद हैं, ये पूरा राजगढ़ का रहने वाले हैं मूलतः और अभी टोंक खुर्द में ये रहते हैं और यहाँ ये भी माणिक बाग में एक चिकन की शॉप है, तो ये मटन और चिकन दोनों की शॉप्स आसपास ही हैं जहाँ पे ये दोनों काम करते हैं। और ये जो रिजवान था, इसका इस महिला के साथ में कुछ संबंध स्थापित हो गया था और इसी के चलते इन्होंने इसका जो पति था उसके साथ में इस तरह की घटना की और उसको मौत के घाट उतार दिया। उप निरीक्षक स्वराज डावी, थाना बाणगंगा, इंदौर।